लक्ष्मी खाना खजाना में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे सबका फेवरेट यानी कि स्ट्रीट फूड स्प्रिंग डोसा, जो कि खाने में तो टेस्टी बनेगा ही, बनने में भी बहुत आसान है। ये हमने दाल और चावल, जो कि हम डोसे का बैटर बनाते हैं, उसको रेडी कर लिया है। हमने इसकी क्वांटिटी हमने रखी है 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द की दाल। रात को हमने भिगो दिया था और सुबह उनको पीस के फॉर्मेट कर लिया। अब ये फॉर्मेट हो गया है और अब हम इसका स्प्रिंग डोसा बनाएंगे। इसमें अभी सिर्फ उड़द की दाल और चावल ही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 चम्मच बेसन। इससे हमारा डोसा स्प्रिंग डोसा बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। चार चम्मच और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये खाने में तो टेस्टी बनता ही है, बनने में भी बहुत आसान है। और जो ठेले पे बनता है उसमें इसमें थोड़ा फर्क रहेगा बनाने में, बाकी ये सेम वैसे ही बनने वाला है जैसे हम बाहर खाते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं और चलते हैं गैस की ओर। ये लिया हमने एक पैन, क्योंकि हमें इसकी स्टफिंग भी बनानी है। इसके लिए हम 2 चम्मच लेंगे तेल। हमें तेल ज्यादा नहीं लेना है, इतना ही लेना है। अब तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, पहले हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटिंग किए हुए प्याज। ये हमने एक बड़े प्याज को कटिंग किया है। जो बाहर बनाते हैं वो डोसे के ऊपर ही करते हैं, पर हमने साइड में बना के बताया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटिंग की हुई एक गाजर। इन सभी चीजों को हल्का साइज होते करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बाउल पत्ता गोभी। इसको भी हमने सारी चीजों को बारीक कट किया है। गैस को रखेंगे लो फ्लेम पे ताकि हमारी सब्जियां जले नहीं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 तीखी वाली मिर्ची और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 शिमला मिर्ची हरी, 1 लाल शिमला मिर्ची और 1 पीली शिमला मिर्ची। हम इसमें टमाटर ऐड नहीं करेंगे, टमाटर से ये सौगी हो जाता है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पिंच जितनी हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हम ऐड करेंगे लाल मिर्ची जो कि इसे कलर देगी। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच शेजवान सॉस जो कि इसे बहुत अच्छा सा टेस्ट देगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बाउल पनीर यानी कि ये 100 ग्राम पनीर है जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है। और अब साथ में हम इसके ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया
और गैस को कर देंगे बंद। चेक कर लेते हैं, बेटर हमारा एकदम रेडी हो गया है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक हम स्वाद अनुसार ऐड करेंगे, पर थोड़ा कम ऐड करेंगे क्योंकि मसाला में भी नमक डाला हुआ है जो हमने इसकी स्टफिंग बनाई थी। अब ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, आधा बाउल, क्योंकि हमें डोसा बनाना है। अब बेटर एकदम परफेक्ट है। हमने गैस पे नॉनस्टिक तवा रख दिया है और गैस को ऑन भी कर दिया है, तो गर्म हो गया है। अब हम इसमें जो हमने बैटर बनाया है वो ऐड करेंगे। और इस तरह से इसको फैला देंगे। जब ये साइड से पकने लग जाए तब हम इसमें तेल ऐड करेंगे। अब हम इसमें साइड में तेल ऐड कर देते हैं। आप इसे बटर में भी बना सकते हो। गैस को रखेंगे मीडियम फ्लेम पे। हमने इसमें इनो वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है क्योंकि ये चावल वगैरह हमने घर पे भिगो के बनाए हैं, इसलिए इसमें इनो ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मसाला बनाया था वो। इसे चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे। मसाले को हमने अच्छी तरह से फैला दिया है। अब हम इसके ऊपर ये लिए हमने चीज, जिसे हम इसके ऊपर क्रश कर देंगे। ये हमारा डोसा भी बन के रेडी हो गया है। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं राउंड राउंड। और इसे निकाल देंगे। अब इसे गरम गरम ही बीच में से कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। इनको हमने सर्व कर दिया है। अब हम इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी चीज भी ग्रेट कर देंगे। और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया। ये हमारे स्प्रिंग डोसा बनके रेडी। ये देखने में तो अच्छे दिख ही रहे हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी है और फटाफट से बन जाते हैं। इसके साथ हमने दी है चने की दाल की चटनी, जिसकी रेसिपी हमने मसाला इडली के साथ दी हुई है, आप उसी को देख लें। यदि आपके पास चटनी ना हो तो आप इसे सॉस के साथ भी खा सकते हो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि जो भी हमारा नए वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और हमारे ये स्प्रिंग डोसा खाके कमेंट जरूर करें कैसे बने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।